तो टुडे वी हैड स्टडी अबाउट दी इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और जहाँ तक इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात है, उसमें हमने जो स्टार्ट करना है वो हमने कौटिल्या से करना है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो बिगिन होता है कौटिल्या से है। और जहाँ तक ये कौटिल्या है, कौटिल्या का जो असल नाम था वो चाणक्य था, और या उसको कभी कभार विष्णुगुप्ता भी बोला जाता था, या अगर हम देखेंगे एशियन मैकियावेली भी कौटिल्या को ही कहा जाता है। और ये जो चाणक्य है या कौटिल्या है, चाणक्य ने अपनी ट्रिटाइज जो इकोनॉमिक्स पे है या साइंस पे है, उसका जो नाम है वो अर्थशास्त्र है। और ये जो अर्थशास्त्र है चाणक्य की, ये ट्रिटाइज ऑन इकोनॉमिक्स और साइंस और स्टेट क्राफ्ट, जो ये अर्थशास्त्र है उस पे जो उसका पेन नेम है चाणक्य का, तो उसका जो पेन नेम है वो कौटिल्या है। तो अर्थशास्त्र का जो मेन ऑथर है वो चाणक्य है, या उसको विष्णुगुप्ता भी बोला जाता है, लेकिन उसका जो पेन नेम है दैट इज कौटिल्या। और उसकी जो ये बुक है बिगिनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट में है ये। और जब हम रियलिज्म पढ़ते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो एंशियंट वर्ल्ड में जब बात हो रही थी, एंशियंट टाइम्स में, चाहे वो थियोसिडाइडिस की बात थी, और अगर इंडियन ओरिजिन में हम रियलिज्म या रियलिस्टिक सेंटिमेंट्स या एलिमेंट्स को देखेंगे, तो वो ट्रेस होते हैं कौटिल्या की अर्थशास्त्र से। और जहाँ तक कौटिल्या के अर्थशास्त्र की बात है, अकॉर्डिंग टू बलबीर सिंह सुहाग, कौटिल्या के बारे में उन्होंने बता दिया, ही इज द ट्रू फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स एज फार एज इंडियन ओरिजिन इज कंसर्न। तो ट्रू फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स इज कौटिल्या अकॉर्डिंग टू बलबीर सिंह सुहाग। और इसी तरह एक और इंडियन थिंकर जिसका नाम पवन चौधरी था, पवन चौधरी ने कौटिल्या के बारे में बता दिया कि जो कौटिल्या की ट्रिटाइज है, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, इट इज चाणक्यस पॉलिटिकल विजडम, इट इज चाणक्यस पॉलिटिकल विजडम। और इसी तरह जो इंडियन एक पॉलिटिशियन रहे हैं शिवशंकर मेनन ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या बोला था, अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने बता दिया दैट इज अ सीरियस मैनुअल ऑन स्टेट क्राफ्ट। तो स्टेट क्राफ्ट पे एक अच्छी पैम्पलेट है, बुक है, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट है, इसमें रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट ऑफ रनिंग अ स्टेट। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट क्राफ्ट या इंटरनेशनल रिलेशन पे अगर रियलिस्टिक सेंटिमेंट्स को हम देखेंगे, वो अर्थशास्त्र में हम फाउंड करते हैं। और इसीलिए शिवशंकर मेनन ने अर्थशास्त्र के बारे में ये डिपिक्ट किया, दैट इज अ सीरियस मैनुअल ऑन स्टेट क्राफ्ट, हाउ टू रन द स्टेट, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इट इज द रियलिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट ऑफ रनिंग द स्टेट। तो ये तीन पर्सन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र या चाणक्य के बारे में अपनी पर्सनल ओपिनियन दी थी। और इसके अलावा जहाँ तक कौटिल्या की जो बुक है अर्थशास्त्र, जो उन्होंने पेन नेम कौटिल्या के तहत लिखी थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया श्यामा शास्त्रा ने, श्यामा शास्त्री हम कह सकते हैं, श्यामा शास्त्री इज अ पर्सन हु ट्रांसलेटेड कौटिल्यास अर्थशास्त्र इन टू इंग्लिश। तो अर्थशास्त्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया श्यामा शास्त्री ने। और जहाँ तक अर्थशास्त्र की बात है, कौटिल्या की जो ट्रिटाइज है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इट डील्स विद द सेवन एलिमेंट्स ऑफ द किंगडम। जो सेवन एलिमेंट्स स्टेट के होते हैं, सेवन एलिमेंट्स किंगडम में होते हैं, उनके साथ ही उनके बारे में ये डील करती है अर्थशास्त्र। और जो ये अर्थशास्त्र है, इसको मैक्सिमम टाइम्स इसको रिजेंबल किया गया है, तशबीह दी गई है इसको एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स के साथ, लेकिन एज कम्पेयर टू पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा रियलिस्टिक जो व्यू आई है वो अर्थशास्त्र के बारे में आई है। और जहाँ तक अर्थशास्त्र की बात है, इट इज़ अ बुक विद 15 वॉल्यूम्स, इसके 15 पार्ट्स है, जिसमें जो पहले 5 है वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करते हैं, और नेक्स्ट 8 जो है फर्स्ट 5 डील्स विद इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम ऑफ द स्टेट, एंड नेक्स्ट 8 जो है दोज डील विद फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ द किंगडम, और आखिरी 2 जो है 15 में दोज आर मिसलेनियस। सो अर्थशास्त्र इज कंपोज्ड ऑफ 15 बुक्स, विद फर्स्ट 5 डीलिंग विद इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेकंड 8 डीलिंग विद फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट, एंड लास्ट 2 वह मिसलेनियस। और जहां तक अर्थशास्त्र की बात है, इसमें जो यूनिट्स है, यूनिट्स को डिवाइड किया गया है 15 यूनिट्स में। तो 15 यूनिट्स को हम कह सकते हैं अधिकारनास। और ये जो 15 यूनिट्स है, ये कितने चैप्टर्स में डिवाइड हुए हैं, 180 चैप्टर्स में। और उनको हम बता सकते हैं, कह सकते हैं प्राकरणास। तो यूनिट्स को हम बोलते हैं अधिकरणास, और चैप्टर्स को हम बोलते हैं प्राकरणास। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में है। और जहां तक अर्थशास्त्र की बात थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं, सबसे पहले जो उसका ऑब्जेक्टिव यही रहा कि डिस्कवर द वेज, फाइंड आउट द वेज, हाउ अ रूलर विल प्रोटेक्ट हिज किंगडम, हाउ अ रूलर विल प्रोटेक्ट हिज डोमेन, हाउ द रूलर विल प्रोटेक्ट हिज टेरिटरी। वो अपनी टेरिटरी को
कैसे डिफेंड करेगा, वो अपनी टेरिटरी को कैसे प्रोटेक्शन दे सकता है, ये पहला ऑब्जेक्टिव रहा है अर्थशास्त्र का। और जहां तक दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात है, एज मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कौटिल्य है, एट टाइम्स ही वाज नोन बाय द एशियन मैकियावेली, एशियन मैकियावेली इसको कहा जाता था। जब हम मैकियावेली को पढ़ते थे, ही बिलीव्ड इन दिस थिंग कि प्रिंस कैसा होना चाहिए, ही शुड एक्सटेंड हिज एम्पायर, ही शुड एक्सटेंड हिज टेरिटरी, एक्सटेंड हिज टेरिटरी बाय अक्वायरिंग द फॉरेन नेशंस, बाय अक्वायरिंग द फॉरेन टेरिटरीज, एक्सटर्नल इन्वेजन्स उसको करके फॉरेन लैंड्स को वो कंक्योर करें। तो यहाँ पर भी तो दूसरा ऑब्जेक्टिव अर्थशास्त्र का रहा है वो यही है, हाउ द किंग विल बी एबल टू एड न्यू टेरिटरीज टू हिज किंगडम, हाउ द किंग विल बी एबल टू एड न्यू टेरिटरीज टू हिज एम्पायर, टू हिज किंगडम, टू हिज स्टेट। और तो ये दो ऑब्जेक्टिव जो मेन है अर्थशास्त्र के, हाउ अ रूलर विल बी एबल, हाउ अ किंग विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हिज लैंड, प्रोटेक्ट हिज टेरिटरी, प्रोटेक्ट हिज डोमेन, और सेकंड जो रहा है, हाउ ही विल बी एबल टू एड न्यू मोर टेरिटरीज टू हिज स्टेट, टू एड मोर लैंड्स टू हिज टेरिटरी। दैट इज वाई इट इज अ साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट। इसीलिए कौटिल्य की इस अर्थशास्त्र को कहा जाता है इट इज अ साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट, इट इज अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इट्स अ ट्रीटाइज ऑन इकोनॉमिक्स एज वेल। और जहां तक स्टेट के बारे में बात की है कौटिल्य ने या चाणक्य ने, नेचर ऑफ स्टेट के बारे में उन्होंने बता दिया दैट किंगडम प्रिजाइडेड ओवर बाय द किंग, किंगडम जो होगा वहां किंग प्रिजाइड ओवर करेगा, अराउंड होम रिवॉल्व ऑल पावर्स, उसको पूरे पावर्स होंगे, उसको पावर्स होंगे बट विद इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स उसके तो पावर्स एब्सोल्यूट रहेंगे बट विद इन द लिमिट्स ऑफ व्हाट, लिमिट्स ऑफ धर्मा। तो धर्मा के तहत वो अपने पावर्स यूज करेगा, एब्सोल्यूट पावर्स उसको रहेंगे बट विद इन द लिमिट्स ऑफ धर्मा। और जो उसके पावर्स होंगे उनका जो मेन एम होगा उनके पावर्स की यूटिलाइजेशन का, दैट विल बी एट द सेफ गार्डिंग ऑफ द किंगडम एंड सेफ गार्डिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, अपने लोगों और अपनी दावलत की उससे प्रोटेक्शन करती है, दावलत स्टैंड फॉर स्टेट। तो किंगडम जो है वो प्रिजाइड करेगा किंग, उसको पूरे पावर्स होंगे, उसके जो पावर्स है वो एब्सोल्यूट होंगे बट लिमिटेड विद इन द डोमेन, विद इन लिमिट्स ऑफ धर्मा। तो धर्मा के तहत उसके जो पावर्स है एब्सोल्यूट है बट धर्मा के तहत वो लिमिटेड है। और जहां तक किंग की बात है, उसका जो रूल रहेगा वो हमेशा यही रहेगा टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट हिज लैंड, प्रोटेक्ट हिज किंगडम, प्रोटेक्ट हिज स्टेट एंड प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स दैट इज पीपल। और उसकी जो एक और एम रहेगी स्टेट में वो यही रहेगी टू प्रमोट हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड सब्जेक्ट्स, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स, चाहे स्टेट की बात हो सब्जेक्ट्स की बात हो, इनकी प्रोटेक्शन भी करनी है और इनकी वेलफेयर और हैप्पीनेस भी प्रमोट करनी है, प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करनी है। और जहां तक स्टेट की बात है, इट विल बी अ किंगडम, इट इज अ किंगडम बट बेटर गवर्नमेंट क्या रहेगी, इट विल बी मोनार्चिकल इन फॉर्म, इट विल बी मोनार्कियल इन फॉर्म, तो मोनार्चिकल गवर्नमेंट होगी वहां पे। और जहां तक किंगशिप की बात है, किंगशिप वजूद में आती है बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्ट टू ओवरकम एनार्की, टू ओवरटेक एनार्की, टू रिप्लेस एनार्की। तो एनार्की को रिप्लेस करने के लिए वहां कंट्रैक्ट होता है और किंगशिप वजूद में आ जाती है। और जहां तक किंग की बात है और पीपल की बात है, किंग उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, किंग उनको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ मिलिट्री भी उसकी रहती है जो प्रोटेक्शन को यकीनी बनाते हैं, और इन रिटर्न जो पीपल होते हैं वो पे करते हैं टैक्सेस इन ऑर्डर टू हेल्प इन द वेलफेयर, रिड्यूस द बर्डन ऑफ द किंग। तो जहां तक इनकी ये ड्यूटीज है, तो चाहे किंग की बात हो या सब्जेक्ट्स की बात हो, दोनों को अपनी अपनी डोमेन में कुछ ड्यूटीज रहती हैं। तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट। तो नेचर ऑफ द स्टेट में हम देखते हैं किंगडम को प्रिजाइड करता है किंग, और अराउंड विच सारी अथॉरिटी रहती है, और इसके जो पावर्स है वो एब्सोल्यूट रहते हैं बट विद इन द लिमिट्स ऑफ द धर्मा। और उसका जो रूल रहता है वो इसी बात पे रहता है, सेफ गार्डिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड, ऑफ द स्टेट, ऑफ द किंगडम एंड ऑफ द पीपल, एंड प्रमोट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। और जो स्टेट है वो किंगडम होगी बट दैट विल बी मोनार्चिकल इन फॉर्म। और जो किंगशिप है, इट इज कमिंग इन टू फोर्स, इट इज द रिजल्ट ऑफ द कंट्रैक्ट टू ओवरकम, टू ओवरटेक एनार्की। एनार्की क्या होती है, एनार्की होती है जहां कोई अथॉरिटी नहीं होती है टू इम्पोज इम्प्लीमेंट लॉ एंड ऑर्डर, टू पनिश द कल्प्रिट्स। और जहां तक किंग की बात है और लोगों की बात है, बोथ विल बी हैविंग ड्यूटीज इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज, इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज। और जहां तक नेचर ऑफ स्टेट के बाद हम देखते हैं फाइव फोल्ड मेथड्स ऑफ अचीविंग पॉलिसी ऑफ एक्विजिशन। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौटिल्य एट टाइम्स वाज नोन एज एशियन मैकियावेली, एशियन मैकियावेली इसको बोला जाता था। अब उसने जो तरीके बताए थे अचीविंग पॉलिसी ऑफ एक्विजिशन, हाउ वन कैन, हाउ अ किंग कैन अचीव कंक्वर और एक्विस, ही कैन कंट्रोल द फॉरेन नेशंस, हाउ ही कैन ऑक्यूपाई द फॉरेन लैंड्स, हाउ ही कैन एड फॉरेन लैंड्स टू हिज टेरिटरी,
There are five ways. There are five ways or five methods. Number one is disaffection among the enemies. Disaffection among the enemies, partisans. जो enemies states होंगे, उनके जो partisans होंगे, जो councils होंगे, जो वहां लोग होंगे, उनके बीच क्या करना है? Disaffection डालनी है, उनमें फूट डालनी है, divide होने चाहिए वो. उपराज्यपा, उसको बोला जाता है उपराज्यपा. और दूसरा जो method है of achieving policy of acquisition is getting rid थ्रू सीक्रेट टैक्टिक्स. आपने सीक्रेट सिक्रीसी मेंटेन करनी है, आपने अपना सिस्टम सिक्रीसी के तौर पे चलाना है. योगा योगा वमना, योगा वमना इसको बोला जाता है. तो सीक्रेट टैक्टिक से आप उनको ओवरथ्रो कर सकते हो, ऑक्यूपाई कर सकते हो. और तीसरा आपका जासूसी निजाम, जासूसी सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए. सेटिंग स्पाइज इन एनिमीज किंगडम, एनिमी के ही फिराक में, उनके ही ड्रेस में, उनके ही शेप में आपने अपने जासूस वहां भेजने हैं. सेटिंग स्पाइज इन एनिमीज किंगडम्स, उसको बोला जाता है एपासर्पा, एपासर्पा. इसके अलावा जो चौथा मेथड आता है, हाउ टू एक्वायर द फॉरेन लैंड्स, आपने सीज करना है डायरेक्टली उनको. सीजर और सीजिंग, जिसको पेरिपसाना बोला जाता है. या आखिरी मेथड होता है ऑफ अचीविंग पॉलिसी ऑफ एक्विजिशन ऑफ दी अदर टेरिटरीज, वो होता है असॉल्ट करने का, जिसको बोला जाता है अवनारदा. तो ये फाइव मेथड्स है ऑफ एक्विजिंग, ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ द फॉरेन लैंड्स, हाउ यू कैन एक्वायर दी नेबरिंग टेरिटरीज. तो फाइव मेथड्स होते हैं आपके पास, जिसमें पहला आता है स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अमंग द एनिमीज पार्टीजंस, गेटिंग रिड थ्रू सीक्रेट टैक्टिक्स, मेंटेनिंग स्पेस इन एनिमीज किंगडम्स, और सीजिंग ऑफ द पावर और बाय डूइंग असॉल्ट टू देम. तो ये पांच मेथड्स होते हैं आप अचीविंग पॉलिसी ऑफ एक्विजिशन. और जहां तक सक्सेस की बात है, जो सीडीज होती है, सीडीज जिसको सक्सेस बोला जाता है, इट कैन बी अचीव थ्रू थ्री पावर्स ऑफ द किंग. किंग के पास तीन पावर्स रहते हैं. हाउ ही कैन बी अ सक्सेसफुल, हाउ ही कैन अचीव सिद्धि, जो सीडीज होते हैं, हाउ अ किंग कैन अचीव द पावर, हाउ किंग कैन बी सक्सेसफुल. तो तीन पावर्स होते हैं किंग के. पावर ऑफ किंग्स काउंसिल, जो उसके काउंसिल्स होते हैं उनका पावर, मटीरियल रिसोर्सेज का पावर. तो पहला पावर जो रहता है किंग के पास, दैट इज पावर ऑफ किंग्स काउंसिल. नंबर टू पावर ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज. नंबर थ्री जो किंग्स एनर्जी होती है. और किंग जो एनर्जी है ये डिराइव करता है तीन सोर्सेस से. नंबर वन स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज, जो स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज होती है उसको बोला जाता है मंत्रा शक्ति, उसको बोला जाता है मंत्रा शक्ति. एंड नंबर टू देयर इज पावर और स्ट्रेंथ ऑफ रेवेन्यू. तो पहली जो किंग्स एनर्जी थी वो स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज थी, जिसको मंत्रा शक्ति बोला जाता है. उसके बाद प्रवाह शक्ति आती है, जिसमें रेवेन्यू आता है. और उसके बाद उत्साह 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 शक्ति आती है, तो वो प्रोवेस होती है. प्रोवेस दैट मीन्स यू आर हैविंग एन आर्ट इन एनी फील्ड, स्किल, यू आर स्किलफुल इन एनी फील्ड. तो डिफरेंट स्किल्स होते हैं वहां पे. तो ये तीन सोर्स होते हैं. जहां तक पावर ऑफ किंग की बात है, वो अचीव करता है सक्सेस थ्रू दीज थ्री पावर्स, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज आती है, स्ट्रेंथ ऑफ रेवेन्यू आती है, और प्रोवेस आती है. तो ये होती है किंग्स एनर्जी. इसके अलावा दो और पावर्स होते हैं, जिसमें मटेरियल रिसोर्सेज आते हैं और पावर ऑफ किंग्स काउंसिल आता है. ये सारा जो आता है ये सक्सेसेस होते हैं किंग के. और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया हाउ अ किंग विल बी सक्सेसफुल इन अचीविंग द पॉलिसी ऑफ एक्विजिशन. उसके लिए उन्होंने पांच तरीके बता दिए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्थशास्त्र मैंने बता दिए. अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है, जहां तक कौटिल्य की स्टेट की बात है, उसमें उन्होंने बता दिया मंडला थ्योरी और सप्टंगा थ्योरी. मंडला थ्योरी में वो बताते हैं उसमें जो होता है किंग होता है, जो उसका नाम दिया जाता है वो डिफरेंट है. वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इन नोट. तो वहां जो किंग होता है, उसकी जो मंडला थ्योरी है, दैट असल में वो सर्कुलेट कहाँ पे करती है, किंगडम जो है इसके अराउंड क्या रहता है. आपके नेबर में आपने कंसिडर करना है मेरे एनमी है. तो पहले आपका किंगडम है, फिर आपके एनमी है, और एनमी के जो पड़ोसी हैं वो आपके दोस्त हैं. तो इसमें एली भी आते हैं, उसमें मित्रा भी आते हैं. तो उसमें आगे चलकर जो एली के एली होते हैं, मतलब जो आपके दोस्त के दोस्त होते हैं, वो आपके भी दोस्त होते हैं. और जो दुश्मन के दुश्मन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो वहां पर मित्रा होते हैं वो आपके दोस्त है. तो वहां पर आपके पड़ोसी जो है वो आपके दुश्मन है, और उन पड़ोसियों के जो पड़ोसी है वो आपके दोस्त है. तो उसमें आगे चलकर जो आपके दोस्त के दोस्त है वो आपके भी दोस्त है, और जो पड़ोसी आपके दुश्मन है, फिर उन पड़ोसियों के पड़ोसी
पड़ोस में आपके दोस्त है, तो उन दोस्तों के पड़ोस में फिर दुश्मन है, तो वो दुश्मन जो है वो आपके भी दुश्मन रहते हैं। तो जो उसकी मंडला थ्योरी है वो ज्यादातर तो इसी पे डिपिक्ट करती है कि स्टेट कैसी है, स्टेट किंगडम कैसा है और इसके अराउंड क्या रहता है। और इसमें असल में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपने जाननी है वो है सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट। जहां तक सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट, उसमें बोला जाता है जो स्टेट है कौटिल्या की, जो स्टेट है उसमें अकॉर्डिंग टू कौटिल्या उसमें सेवन एलिमेंट्स होते हैं। तो सेवन एलिमेंट्स आर देयर इन द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट। उसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज स्वामी। स्वामी जो होता है ही इज द हेड, चाहे वो मनार्ची हो या और कोई फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो, तो हेडशिप जो होती है उसको बोला जाता है स्वामी। दैट मीन्स हम किंग को बता सकते हैं दैट ही इज स्वामी, ही इज द रूलर, ही इज द रोलर। तो ये पहला एलिमेंट होता है स्टेट का। और दूसरा जो होता है वो अमात्या होता है। अमात्या जो होते हैं इट कंसिस्ट्स ऑफ द होल बॉडी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। इसमें एग्जीक्यूटिव्स आते हैं दैट ऑपरेट्स द लॉज ऑफ द स्टेट, जो इस रियासत के दौलत के कवानीन बनाते हैं, कवानीन फ्रेम आउट करते हैं। तो पहले इसमें आता है स्वामी जो किंग होता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो अमतिया होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, या आजकल के दौर में हम उनको बता सकते हैं मिनिस्टर्स। तो अमतिया के बाद आते हैं, तो स्वामी के बाद आता है अमतिया। उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट आता है दैट इज जनपद। जनपद में आता है लैंड वाटर एंड एयर स्पेस। दैट मीन्स जो एक रियासत की एक दौलत की जो टेरिटरी बनती है उसमें एयर भी होता है, एयर स्पेस भी होती है, उसमें जमीन भी होती है और उसमें पानी भी होता है। तो उसको बोला जाता है सप्तंगा थ्योरी में दैट इज द थर्ड एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ जनपद, इन द फॉर्म ऑफ जनपद। उसके बाद कैपिटल सिटी आती है या फोर्ट्रेसेस आती है, फोर्ट्रेसेस या फोर्टिफाइड कैपिटल जिसको हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज दुर्गा। तो दुर्गा जो है वो फोर्टिफाइड कैपिटल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो दुर्गा विधवा है या दुर्गा निवासा है, तो दुर्गा विधावा या दुर्गा निवासा, अगर वो दुर्गा विधावा है तो फोर्ट्रेस है, अगर वो दुर्गा निवासा है तो फोर्टिफाइड कैपिटल है। लेकिन इन जनरल जो ये चौथा एलिमेंट है दैट इज नोन एज दुर्गा, दैट इज नोन एज दुर्गा। और इसमें आती है, इसमें कैपिटल सिटी आती है। उसके बाद आती है स्टेट की ट्रेजरी, स्टेट की ट्रेजरी उसके बाद आती है, यानी इकोनॉमिक्स यानी रिसोर्सेज, दौलत, वेल्थ, वो सब इसमें आता है दैट इज कोसा, दैट इज कोसा। तो कोसा ये हो गए पांच एलिमेंट्स। अमतिया नंबर टू, जो नंबर वन पे आता है वो किंग आता है इन द फॉर्म ऑफ स्वामी। तो सप्तंगा थ्योरी में ये जो सात एलिमेंट्स आते हैं इसमें स्वामी नंबर वन, उसमें अमतिया नंबर टू एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, नंबर थ्री पे टेरिटरी आती है जिसको जनपद बोला जाता है, जनपदा बोला जाता है। उसके बाद नंबर फोर पे कैपिटल आती है जिसको दुर्गा बोला जाता है। उसके बाद ट्रेजरी आती है, ट्रेजरी जो स्टेट की है उसको कोसा बोला जाता है। उसके बाद धंधा, दंडा या डंडा जिसके थ्रू ये जो पनिशमेंट होती है टू पनिश द कॉल्प्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल वर्ना सिस्टम को कौटिल्य ने सपोर्ट किया था, वर्ना सिस्टम को के साथ साथ उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। सेक्युलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने बात की थी और उन्होंने बोला था ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन दंडा नीति। दंडा नीति क्या थी? यही दंडा, टू पनिश द कॉल्प्रेट्स, जो पेनल्टीज होती हैं जो ब्रेच करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को उनको पेनल्टीज मिलनी चाहिए। तो दंडा नीति, दंडा दैट मीन्स पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के फेवर में वो था किन के लिए? जो डिजर्व करते थे पेनल्टीज, जो ब्रेच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करते थे, तो दंडा इसके लिए जरूरी था। और इसके बाद वो बताता है मित्रा। मित्रा जैसे मैंने बता दिया मंडला थेरी में मित्रा और एली आते हैं, और जहां तक मित्रा की बात है इट मीन्स एली। अकॉर्डिंग टू कौटिल्या जो एली होते हैं वो हेरिडिटेरी होने चाहिए एंड विद वन, वो ऐसे होने चाहिए हु आर रेडी टू कम टू बी विद यू व्हेन यू आर इन क्राइसिस, टू बी विद यू व्हेन देयर इज डिमांड, व्हेन देयर इज डिमांड। तो उसकी जो मंडला थ्योरी है उसमें ज्यादा क्लियर हो जाता है द काइंड ऑफ रोल ऑफ एन एली, एक एली को कैसा रोल निभाना है। तो मित्रा जो होता है, एली जो होता है वो फ्रेंड रहता है। तो ये सात एलिमेंट्स होते हैं सप्तंगा थ्योरी के, जिसमें आता है स्वामी दैट इज किंग द रूलर, उसके बाद अमतिया हिज काउंसिल्स हिज मिनिस्टर्स हिज एग्जीक्यूटिव्स, उसके बाद तीसरा एलिमेंट आता है स्टेट की टेरिटरी जिसमें जिसको जनपदा बोला जाता है, उसके बाद फोर्टिफाइड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा निवासा या सीधे दुर्गा, उसके बाद जो ट्रेजरी आती है दैट इज कोसा, उसके बाद जो छठा एलिमेंट आता है दैट इज पनिशमेंट थ्योरी। पनिशमेंट में वो बोला बोलता है दंडा नीति या दंडा, और एंड पे वो बोलता है एली और मित्रा, यानी हु कैन बी योर फ्रेंड्स, हु कैन बी योर फ्रेंड्स। और फ्रेंडशिप के बारे में उन्होंने मंडला थ्योरी में क्लियरली बताया है, एक किंगडम होता है फिर उसके पड़ोस में एनिमीज होते हैं, एनिमीज के पड़ोस में फिर एलीज या मित्रा होते हैं। तो आपने कुछ
कुछ दोस्त होते हैं, दोस्तों के दोस्त भी आपके दोस्त होते हैं, और जो आपके दोस्त के दुश्मन है वो आपके भी दुश्मन है, वो ये सारी चीजें बताता है मंडला थ्योरी में। और जहां तक इंपॉर्टेंस की बात है तो हिज सप्तंगा थ्योरी एज फार एज स्टेट एंड सॉवरेंटी इज कंसर्न, जो उसकी सप्तंगा थ्योरी है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और इसमें सेवन एलिमेंट्स होते हैं, वो सात के सात एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया हाउ किंग कैन बी सक्सेसफुल बाय यूजिंग थ्री पावर्स, हाउ स्टेट कैन बी सक्सेसफुल इन एक्वायरिंग फॉरेन लैंड्स, उसके लिए पांच तरीके मैंने बता दिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ कौटिल्या, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो दो मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं अर्थशास्त्र के, दैट मीन्स हाउ द किंग विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हिज मदरलैंड, हाउ द किंग विल बी एबल टू एड नो मोर टेरिटरीज टू इट, ये रहता है अर्थशास्त्र का मकसद। और दैट इज वाई अर्थशास्त्र को कभी कभार बोला जाता है इट्स अ साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अ ट्रीटाइज ऑन इकोनॉमिक्स, अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिक्स, अ ट्रीटाइज ऑफ साइंस एडमिनिस्ट्रेशन, और साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, या इसको रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी क्लासिकल रियलिज्म में इसको शुमार किया जाता है थ्यूसिडाइडस की थ्योरी के साथ। तो दिस वाज ऑल अबाउट कौटिल्या, और कौटिल्या के लिए आपने ये याद रखना है उसका जो रियल नेम है वो चाणक्या या विष्णुगुप्ता है, और जहां तक उसके कौटिल्या का नाम है, कौटिल्या इज हिज पेन नेम, जब उन्होंने अर्थशास्त्र दी तो वो उसने अंडर द पेन नेम ऑफ कौटिल्या दी थी, फिर उसकी कौट तो का अंडर द पेन नेम ऑफ कौटिल्या दी थी उसने अर्थशास्त्र, और जहां तक उसकी वो अर्थशास्त्र थी उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में श्यामा शास्त्री ने, श्यामा शास्त्री ने। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कौटिल्या, एंड टुमारो वी हैव टू स्टडी अनदर फिलोसफर।